नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने आ गया हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 2 इंग्लिश और मैथ्स दोनों की स्ट्रेटजीज लेके। ये वीडियो बनाने का इंतजार मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया टीयर 1 का और मैं ये वीडियो बनाऊँ। थोड़ा डिले कर दिया एसएससी ने, बट कोई बात नहीं, आ गया है हमारे पास और 7 जुलाई को आपको मार्क्स भी आपको पता चल जाएंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल पे आप लोग स्टैंड करते हो, किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा आपको पुश करने की जरूरत है। ऐसा भी होता है कि टीयर 1 में अगर बहुत अच्छे नंबर है तो टीयर 2 में अगर आपका कुछ सब्जेक्ट अगर वीक भी है इंग्लिश मैथ्स कोई, तो आप मैनेज आपका हो जाता है। अगर आपका 1 में कम मार्क्स है फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होते हैं। तो डिटेल में बात करूंगा मैं दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में और आखिर में मैं कुछ बात करूंगा जो कि हर एक इंडिविजुअल से कनेक्टेड होगी। बिना देर किए शुरू करते हैं इस एंटरटेनिंग, हैपनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश जो है वो एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आसान आती है। और सिर्फ सीजीएल टीयर 2 की बात नहीं करें, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश का लेवल सबसे नीचे होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं सबसे नीचे जो लेवल होता है वो इंग्लिश का ही होता है। पता नहीं आखिर एसएससी को क्या फितूर है कि वो इंग्लिश पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। मैथ्स को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव बनाता है, जीके में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स के रीजनिंग में कभी कुछ क्वेश्चन डाल के वो ऊपर नीचे चीज़ें को कर देता है, लेकिन इंग्लिश में किसी भी तरह का कोई इनोवेशन नहीं है। पिछले 2-3 साल से जैसे क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश में, अगर उसके मद्देनजर हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। क्या क्या करना है बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। दोस्तों टीयर 1 आपने क्लियर किया है, इसका मतलब आपको इंग्लिश का नॉलेज है, आपने ग्रामर के रूल्स काफ़ी हद तक पढ़ रखे हैं। स्टिल अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है ग्रामर रूल्स में तो आपको सिर्फ केडी कैंपस नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक ही प्रेफर करनी है। बहुत लोग कहते हैं कि अस्सी बख्शी करो, फलाना करो, ढिमका करो, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कह चुका हूँ सिलेबस बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा कुछ बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, खासतौर से ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए। तो केडी कैंपस वॉल्यूम 1 का बुक आप उठा लीजिए, अगर आपका नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसी को 2-3 बार कंप्लीट कीजिए अच्छे से। जितने क्वेश्चन हैं आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, रट लीजिए। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो एक एक क्वेश्चन अगर आपने रट भी लिया फिर भी ग्रामर का सेक्शन में आपका 95% क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर शॉट बन जाएगा। तो ग्रामर के रूल्स अगर आपको याद है तो आप बात आती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। ऑब्वियसली आप लोगों का क्लियर होगा ही, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूँ सिर्फ आपको 2 बुक्स में से ही 1 बुक पिकअप करना है। और खास तौर से प्रैक्टिस के लिए आप जो बुक प्रेफर करते हैं, बहुत लोगों का शायद ऐसा भी हो कोई और बुक प्रेफर करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस के लिए वही बुक प्रेफर करें जो मार्केट में चल रही है। मार्केट में चल रही है कहने का मतलब कि उस बुक से मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपको उनसे बराबरी करनी है, एज पर रहना है उनके, तो आपको वो बुक तो कंप्लीट करनी ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो 2 सबसे पॉपुलर बुक है प्रैक्टिस के लिए खास तौर से इंग्लिश में, वो एमी पब्लिकेशन की इंग्लिश और किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश। दोनों में एक छोटा सा फर्क है। फर्क ये है कि जो एमबी की बुक आती है उसमें सेट वाइज सेट होता है, मतलब हर सेट में बटा हुआ जैसा क्वेश्चन पेपर आया था एग्जैक्टली वैसा ही आपको मिलता है, लेकिन किरण में टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि एरर के सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे, 12-13 हज़ार 12-13 सौ क्वेश्चन ऐसे करके, फिर एंटोसाइनो के सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे, वन ओवर सब्स्टिट्यूशन के साथ, इस टाइप से होता है वहाँ पे। तो आपको करना यह है कि आपका अब ये आपकी प्रायोरिटी पे होता है कि आप किस किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे है कि जो एसएससी किरण वाली जो बुक है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि एरर थोड़ा बहुत एमबी में भी है लेकिन किरण में थोड़ा सा ज़्यादा है। एमबी थोड़ी बहुत ज़्यादा रिफाइंड बुक है, वो इंफॉर्मल बुक है, आपसे वो बुक बात करती है, तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा मज़ा आए मे बी। लेकिन अगर आप टाइप वाइज क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर आप लर्नर हैं, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आपके लिए किरण ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ये आपके ऊपर है, आपके स्टैंडर्ड आपके लेवल के ऊपर है कि आप कौन सा बुक प्रेफर करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं वोकैब सेक्शन की, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। दोस्तों वोकैब सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि एसएससी वोकैब सेक्शन में बहुत ही सबसे कम इनोवेशन है वो वोकैब सेक्शन में ही वो क्रिएट करता है। वोकैब सेक्शन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही रिलाय कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आप किरण में या एमबी में थोड़ा कम होता है, उसके लिए आपको किरण ही प्रेफर करना पड़ेगा वोकैब के लिए। मैं ग्रामर की बात कर रहा था पहले, अभी वोकैब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किरण में पिछले 15 साल के वोकैब्स एक साथ कंपाइल किए हुए हैं और एमबी में कुछ 3-4-5 साल के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि वोकैब आप किरण से कीजिएगा, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब कवर होगा। एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, या आपका वन वे सब्स्टिट्यूशन हो गया, या आपका इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, ये सब कुछ आपको किरण से ही करना है। और कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाओ सारे कर लो तो बेस्ट है, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन आए इसका चांस 5-6% ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। 1-2 क्वेश्चन आपको नया मिल जाएगा, वो आप अगर आप थोड़ा बहुत एक काम और करोगे जो मैं आगे बताऊंगा वो कर लोगे तो आपका वो भी 5% क्लियर हो जाएगा। वोकैब सेक्शन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो होता है फ्रेजल वर्ब्स को लेकर। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि सर फ्रेजल वर्ब्स हम लोग ने कम से कम 50 बार याद किया, 50 हम लोग भूले भी हैं, फ्रेजल वर्ब्स के लिए आखिर क्या करें। तो दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स को लेकर मैं आपको एक सेशन देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स आप याद करो, हर दिन 2, हर दिन 3, इस तरह करके आप याद करो।
आपको बहुत ज़्यादा कंपाइल नहीं करना है, ऐसा नहीं कि नहीं कि आपको 500 या 600 करना है, 50, 60, 70 ही आप याद करो, बट उसको ऐसा कर लो कि वो बिल्कुल आपके टिप्स पे हो जाए, इस तरह से रट लो, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस नहीं भी अगर आपसे हो पाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रेजल वर्ब्स का वेटेज भी अब बहुत कम हो गया है, जैसे जैसे साल दर साल बढ़ते जा रहा है एसएससी, फ्रेजल वर्ब्स के जो क्वेश्चन है वो ना के बराबर आ रहे हैं। अब क्लोज टेस्ट में कहा हमको कहीं गलती से दिख जाता है फ्रेजल वर्ब्स, वो भी अब मुश्किल से दिखता है। हाँ, 15 के पहले 14, 13 में, 12 में या फिर काफी हद तक 16 में भी जो क्वेश्चन आए हैं उसमें फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन इधर से पीछे 17 और 18 के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें फ्रेजल वर्ब्स का नाम निशान कहीं कहां में 1-2% में कह सकते हैं। तो उसको लेके आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो ये कोई तुक नहीं बैठता, इसलिए फ्रेजल वर्ब्स अगर आपको याद नहीं भी होते हैं तो उसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत ज्यादा वक्त उसमें मत दीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज उसका नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वोकैब सेक्शन से लेकर स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें मैंने वोकैब के बारे में ही पूरी बात की उस वीडियो में, उस वीडियो को आप देख के हेल्प ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके पेपर के सबसे बड़े एस्पेक्ट की, और वो है रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट। दोस्तों एक बात आप समझ लो, अगर आपका मैथ्स वीक है और आपको इंग्लिश में स्कोर करना है बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपका मैथ्स वीक है तो इंग्लिश में आपको फिर ऑप्टिमम लेवल पे जाना होगा, तो ऑप्टिमम लेवल पे जाने के लिए ये तीनों जो चीज़ें हैं इन पे आप पकड़ कर बना लो तो ही आप जा सकते हैं टॉप लेवल पे, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। इंग्लिश में जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको असल दिक्कत इन तीनों चीज़ों में ही आती है। तो अगर आपको इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करना है तो इन तीनों चीजों पे आपको डीपली फोकस करना है। क्या करना है बताता हूँ आगे। सबसे पहले दोस्तों अपने आप से वादा कर लीजिए या कसम खा लीजिए कि आज से और अभी से आप हर दिन 1.5 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे डेली। शुरू में आपको तो आप थोड़ा कम वक्त रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको खुद ब खुद वो टाइम बढ़ते जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि आज से शुरू और टिल द एग्जाम डेट तक आपको डेली 1 से 1.5 घंटा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना ही करना है। इन केस अगर आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्कोर करना आप चाहते हो तो, और आपका बहुत वीक है इंग्लिश, तो अगर आप ये कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका बिना किसी प्रैक्टिस के आपका क्लोज टेस्ट भी इंप्रूव हो जाएगा, पैराजम्बल भी इंप्रूव हो जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव हो जाएगा। आपको खुद ब खुद ऐसे काम कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये फील होगा यार मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग की, ये सब कुछ मेरा ऑटोमेटिकली कैसे अच्छा हो गया। ये सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है जो कि आपको साइकोलॉजी का पढ़ने के बाद पता चलेगा। अब न्यूज़पेपर रीडिंग करते वक्त बच्चों के सामने बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। इन सब चीज़ों को मैंने एड्रेस किया है कि कैसे आपको पढ़ना है, अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो पढ़ने की कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों करते हैं मॉक्स की बात। तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉक्स देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है मॉक्स देने का तो 3 से 4 दिन में एक मॉक आप दे दिया कीजिए, क्योंकि आपको मैथ्स भी साथ में लेके चलना होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते रहोगे। इसलिए इंग्लिश में 3-4 दिन में एक मॉक दे दो, बहुत मन है आपका तो, क्योंकि इंग्लिश में आपको टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं होता है। जैसा पेपर आ रहा है इंग्लिश का, आप 2 घंटे का पेपर होता है, लेकिन आप उसको अगर थोड़ा भी आपका ठीक ठाक इंग्लिश तो 1 घंटे 30 मिनट 35 मिनट में आप करके बैठ जाओगे। तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेज कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉलेज है, आपको समझ इंग्लिश की आप कर लोगे, नहीं समझे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा टाइम मैनेजमेंट में। हाँ, अगर आप नए नए क्वेश्चन देखना चाहते हो डेफिनेटली मॉक टेस्ट में काफी नए नए क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के अलावा भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट अटेंड करना, टाइम मैनेजमेंट की यहाँ कोई जरूरत नहीं होती है। इंग्लिश में किसी को भी टाइम मैनेज करने में दिक्कत नहीं होता है, अनटिल अनलेस किसी का इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है, उसको वक्त लग सकता है कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में या पीक्यूआर जो पैराजम होता है उसको पढ़ने में, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम केस में इंग्लिश टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, और जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसके बाद तो और भी नहीं है। आखिर में मैं एक बार फिर से जोर देना चाहूंगा कि रीडिंग सेक्शन जो है वही है जिसमें थोड़ा बहुत दम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल जिसमें थोड़ा बहुत आपको टाइम लगता है जो कि आपका न्यूज़पेपर से कवर होगा, वोकैब सेक्शन जो आपके नए वर्ड्स हैं वो भी न्यूज़पेपर से ही कवर होंगे आपके। तो न्यूज़पेपर आपको एक कॉपी के साथ भी रखना है, जो भी नए वर्ड्स, नए फ्रेज, नए इडियम्स कुछ भी आपको मिलता जाए नया नया, वो आपको उस कॉपी में नोट करना है, मेंटेन करना है उस नोट को, और उसको रिवाइज करते रहना है बीच बीच में। रिविजन पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बिना रिविजन के ये सारे मेहनत आपके बेकार हो जाएंगे। चाहे आप ग्रामर में कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ कुछ नया सीख रहे हो, कुछ भी नया अगर आप सीख रहे हो वो आपका एक सेपरेट नोटबुक में जाएगा और वही आपको रिवाइज करना है, क्योंकि वो सबसे कॉम्पैक्ट चीज़ है, सबसे कम वक्त में सबसे ज़्यादा चीज़ आप उसी नोटबुक के थ्रू रिवाइज कर पाओगे, इसलिए वो नोटबुक जरूर मेंटेन करना। तो उम्मीद करता हूँ इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। तो दोस्तों मैथ्स की स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट कर दूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मैथ्स वीक है या फिर एवरेज भी है,
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे एजुकेटर का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा, जो भी एजुकेटर आपको पसंद आते हो, मैंने आपको बताया है कि उनके जो फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनको देखिए, उनसे जज कीजिए, और वो जज करने के बाद फिर उनके कोर्सेज है वो परचेज कर लीजिए। एक कोर्स आप परचेज कर लो, यहाँ मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी खास को, लेकिन ज़रूरी है अगर आपका वीक है या फिर एवरेज है, क्योंकि सब कुछ आप अपने दिमाग से नहीं कर पाओगे। बहुत लोग होते हैं टॉपर्स, वो रिकमेंड नहीं करते हैं कि हमने तो कोई कोचिंग ली नहीं थी फलाना टीम का, लेकिन टॉपर्स का दिमाग और आपका दिमाग में फ़र्क है। वो उसके लिए 4 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है, आप 8-9 घंटे पढ़ के भी आप श्योर नहीं हो, क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। इसलिए जो काम उसने किया 100% वही काम आपको करना है, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसने जो किया है वो आपको करना ही करना है, उसके अलावा भी आपको काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सको तो एक कोर्स ज़रूर परचेज कर लेना किसी का भी, क्योंकि आज के टाइम में आपको क्रिएट करना, कुछ विजुलाइज करना, आपके लिए आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, तो वो टीचर आपको करके देगा, जिससे कि आपका विजुलाइजेशन पावर, जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी जो होती है, नए रूल्स को अप्लाई करने का, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का जो ट्रिक होता है, वो आपको वो सिखाएगा। तो कोई भी एक एजुकेटर ज्वाइन जरूर कर लेना, और कोशिश करिए कि जो भी कोर्स हो तो उनके कोर्स अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लाइव क्लास अगर होता है तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको आप बार बार देख भी सकते हैं, तो रिकॉर्डेड प्रीफर करेंगे, हालांकि अगर आपको लाइव अच्छा लगता है तो वही करो, बट अगर आप कर सकते हो रिकॉर्डेड आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। अब जब अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो अब बात आती है कि जो हमने वहाँ पढ़ा है उसको प्रैक्टिस कहाँ से करें, रिवाइज कहाँ से करें, रिवाइज से जो नोट्स मिलेगा वहाँ से रिवाइज करके प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे अच्छा प्रैक्टिस सेट और कहीं नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप सेट वाइज सेट कर लो या फिर एक्यूमुलेटेड टाइप वाइज जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं वो कर लो, दोनों फॉर्म में आपको बुक्स मिल जाएंगे मार्केट में, ऐसे किरण के ही दोनों तरह के बुक्स आ जाते हैं, तो कोई भी एक बुक लेके आप शुरू हो जाओ। बेटर है कि आप चैप्टर वाइज लो, वही बेटर है शुरुआत में, अगर आप फिर एडवांस लेवल पे चले गए हो तो फिर सेट बाय, क्योंकि सेट सॉल्व करते हो टाइम देख के, टाइम वगैरह लगा के। एक बात और बताता हूँ कि जब आप किरण सॉल्व करो, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है, हजारों नहीं लाखों बच्चे, कम से कम 3-4 लाख बच्चे हैं जो किरण सॉल्व करते हैं पूरा, मैं थोड़ा नहीं बोल रहा हूँ पूरा, और एक मल्टीपल टाइम्स, इतनी मोटी बुक होती है किरण की, उसको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करते हैं पूरा पूरा। स्टिल वो बोलते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मैथ्स में, नए क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, तो क्यों दोस्तों? एक तरीका है उसको पढ़ने का, आप सिर्फ बैठ के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो बैक टू बैक, कुछ ज़रूरी नहीं कि वो आपको फ़ायदा कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या टेक्निक अप्लाई हुआ, एग्जामिनर ने कहाँ ट्विस्ट किया था, मैंने कहाँ पे गलती कर दी, कौन सा मेथड इसमें यूज़ हुआ, कौन सा मेथड यूज़ होता कि और टाइम इसमें बचता, ये एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। भले ही आप 50 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगर ये एनालिसिस आप कर पा रहे हो, उसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अपने दिमाग में रख पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा काफ़ी अच्छे नंबर से होगा। टॉपर्स और लोएस्ट रैंकर्स में यही फ़र्क होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो चीज़ों को जनरलाइज कर लेते हैं और उसको अप्लाई कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। किसी ने आपको नहीं कहा किरण में मैंने पूरा बनाया, मैंने सिर्फ किरण फॉलो किया ये बोलेंगे, लेकिन किरण मैंने पूरा बनाया ये कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्हें 50 क्वेश्चन सॉल्व करके वो कॉन्फिडेंस आ गया, वो एप्टीट्यूड उनके अंदर डेवलप हो गई, जिसकी वो चीज़ों को अप्लाई करें। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीखें। और जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस हम लोग इस लिहाज से भी करते हैं कि सिली मिस्टेक्स कम हो, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो सिली मिस्टेक्स के चांस कम होते हैं, तो वैसी प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपके पास, ऑब्जर्वेशन वाली स्किल एक होनी चाहिए आपके पास जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंसर्न ये भी आता है कि सर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, किरण ने कई बार बना रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमें तकरीबन याद है सारे क्वेश्चन, स्टिल जब कोई नया क्वेश्चन आता है तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता, छूट जाता है वो क्वेश्चन टेस्ट में, कैसे हो पाएगा हमारा सिलेक्शन? तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो नए क्वेश्चन होते हैं ना उसका कोई उपाय नहीं होता। अगर कोई बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो पहले कभी नहीं आया SSC में, अगर वो पूछ लिया गया है तो आपका दिमाग खराब होना लाजमी है, सबका दिमाग खराब होगा, लेकिन उसका दिमाग खराब कम होगा जिसके पास टाइम है, जिसने टाइम बचा लिया है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि नए क्वेश्चन के पीछे आप ज़्यादा पागल नहीं हुई, नए क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश मत करिएगा। वो भी नया क्वेश्चन आपको मिला उसको भी आप मान लीजिए इजी क्वेश्चन आप कर रहे हो जल्दी जल्दी, बीच में आपको कोई नया क्वेश्चन मिल गया उसको भी आप जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो, कभी मत करना जल्दी। एक तो हो नहीं पाया वो क्वेश्चन क्योंकि नया है, आपका जो रेगुलर ट्रेडिशनल मेथड जो आपके दिमाग में सॉल्व होगा नहीं वो, और साथ ही साथ सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो भी नए क्वेश्चन हैं उनको स्किप करते जाइएगा, और लास्ट में जब आपके पास टाइम बच जाए तब जाके उन टफ क्वेश्चन, उन नए क्वेश्चन पे जाइएगा, और तब आराम से दिमाग को शांत करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्योंकि उपाय यही है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आए हैं आपके 60-70 क्वेश्चन आते हैं अमूमन, उन सारे 60-70 क्वेश्चन पे आपकी पकड़ इतनी अच्छी हो जाए कि उसमें आप अच्छा खासा वक्त बचा लें, और जो वक्त आपने उसमें बचाया वो क्वेश्चन वक्त जो है वो आप टफ क्वेश्चन के लिए अप्लाई करें।
तो आपके पास वक्त होगा नए क्वेश्चन को करने का, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, जो भी नया चीज़ है उसको आप फिर भी सॉल्व कर पाएंगे। भले ही आपको 4 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और कई सारे टॉपर्स ने भी बात कही है कि इजी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा पकड़ बना लीजिए। टफ क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कुछ तो आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, वो आप तभी कर पाओगे जब आप रिलैक्स हो एग्जाम में, आपके पास सफिशियंट टाइम है। तो टाइम बचाओ और टफ क्वेश्चन बनाओ। हमेशा टाइमर लगा के आपको प्रैक्टिस करना है और टारगेट बना के पढ़ाई करना है। हर दिन आपको टारगेट रखना है कि आज मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, या एक वीक का बनाओ टारगेट या एक दिन का बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है, और जब भी आप प्रैक्टिस करो तो एक एस्टिमेट लेके पढ़ना कि मुझे, चलो मैं आधे घंटे में देखता हूँ कितने क्वेश्चन कर पाता। हमेशा टाइम को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि कॉम्पिटिशन वो टाइम का ही खेल है। जो 100 क्वेश्चन हैं, 100 में से जो भी, जिसने भी थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी है ठीक ठाक, वो 95 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है अगर उसको टाइम मिल जाए तो। तो सारा खेल जो है वो टाइम का ही है, तो आपको टाइम के ही अनुसार सारा काम करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए किरण के अलावा अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री में काफ़ी अच्छा कंटेंट फ्री में अपलोड करते हैं, काफ़ी नए नए क्वेश्चन से, आप उनसे जो आपका नया नया क्वेश्चन का जो ब्लॉकेज है ना, डर है, वो दूर होगा, क्योंकि नए नए क्वेश्चन वो कराएंगे, नया नया तरीका बताएंगे, तो वो आपको सीखते रहना, आपको आपका जो एंटरटेनमेंट है वो बना रहेगा। तो किरण के अलावा आप यूट्यूब चैनल्स भी थोड़े बहुत फोकस करते रहिए। इसके अलावा 2 एग्जाम्स, एक CDS का पेपर होता है और एक CAT का पेपर होता है। इन दोनों के जो इजी क्वेश्चंस आए हैं विगत 1 से 2 सालों में, वो सब आपको पढ़ लेना है, क्योंकि SSC की आदत है कि SSC कॉपी पेस्ट करता है क्वेश्चन को। तो जो भी टफ बना के SSC अपने पेपर में डालेगा जो क्वेश्चन, हो सकता है वो CAT या CDS का क्वेश्चन हो। मैं बोल रहा हूँ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, मैं टफ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ एग्जाम्स की। उनके पेपर में जो सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जो आपके सबको लगता है ये मेरे सिलेबस का क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत चांस है उसके, उन क्वेश्चन के आपके पेपर में आने के। ये बात मैंने बताई उन बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश वीक है और वो चाहते हैं कि मैथ्स में हमें बहुत अच्छा मार्क्स आए। तो मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स लेने के लिए, यानी कि दूसरे बच्चों से आपको अगर एज लेना है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप जितने ज़्यादा अप्लाई करोगे, वो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, उतना ज़्यादा आप स्कोर करोगे मैथ्स में। अब दोस्तों, कैलकुलेशन को लेके बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि कैलकुलेशन कितना, कहाँ से पढ़ें, वैदिक मैथ्स ये वो फलाना जिनका। दोस्तों, वैदिक मैथ्स सब कुछ नहीं है, वैदिक मैथ्स सिलेबस नहीं है SSC का। वैदिक मैथ्स के कुछ चुनिंदे ट्रिक्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वही आपको सिर्फ अप्लाई करना है। इसके अलावा वैदिक मैथ्स बहुत बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है SSC के लिए। बैंकिंग की बात अलग है, आप लोग बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, बट यहाँ पे ट्रिकी कैलकुलेशन नहीं होता है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन जो टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कैलकुलेशन है, बड़ा सा गंदा सा 5 डिजिट × 4 डिजिट का एक मल्टीपल है, क्या वो कोई 5 सेकंड में कर सकता है? नहीं। हाँ, ये फर्क पड़े, कोई अगर 40 सेकंड में कर रहा है तो कोई 35 सेकंड में करे, 30 सेकंड में करे, कोई इसको 5 सेकंड में नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन टिप्स पता है, जो कैलकुलेशन छोटे मोटे जो ट्रिक्स होते हैं, जो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको आएंगे, आपके एजुकेटर आपको बताएंगे, उसके मार्फत से आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को टिक मार के आगे बढ़ सकते हो, कितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो। तो इसीलिए कैलकुलेशन के लिए वैदिक मैथ्स में मत जाओ, कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखो। ट्रिक्स मतलब कि कहाँ पे क्या अप्लाई होगा, जो कि आपको आपका एजुकेटर भली भांति बताएगा। बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट हमें कितना ज़्यादा देना है, कब देना है, क्या देना है। तो इंग्लिश के लिए मैंने बोला कि बहुत मन है आपको तो 3 से 4 दिन पे एक दे दीजिए। मैथ्स के लिए मैं कहूंगा कि अगर आपको बहुत अगर आपको मजा आता है मॉक देने में, तो डेली दो एक मॉक मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में जो है एवरीथिंग इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। और मॉक्स का जो सबसे अच्छा जो फायदा होता है वो होता है कि वो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कर देता है। इसके अलावा और भी कई सारे फायदे हैं, बट टाइम मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है, जो कि आपका मॉक टेस्ट ही एड्रेस करता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट आप दो या फिर अल्टरनेट दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दिन पे तो देना ही देना है, और हर दिन दो तो दैट इज़ वेरी बेटर। दोस्तों, मॉक टेस्ट के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, वो सब कुछ बात मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। कैसे क्वेश्चन छोड़ना है, कैसे सोचना है, कैसे एनालाइज करना है, ये सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है मेंटेनिंग अ नोट। जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था, वही काम आपको यहाँ भी करना है। नोट मेंटेन करना सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि वही नोट जो है, नोट मेंटेन करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि उसी नोट से आप सबसे जल्दी, सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, और कहीं से नहीं कर सकते। तो मैथ्स में भी बिल्कुल उस नोट को मेंटेन करिए, जहाँ भी कोई नया कंसेप्ट, नया ट्रिक, नया कुछ क्वेश्चन, नया कैलकुलेशन, कुछ भी आप नया कुछ भी सीख रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नया आपको मैथ्स में कहीं भी कुछ मिल रहा है, नया DI हो गया, बहुत ज़्यादा टफ DI किसी मॉक में आपको मिला, कुछ भी नया मिलेगा कहीं पर, वो सब आपके नोट्स में जाएगा। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, नई चीज़ें, वो सब वहाँ जाएंगी, क्योंकि नई चीज़ जब आप सीखते हो तो भूलते भी जल्दी हो उसको।
और वही रिवाइज करके आप एज ले सकते हो। उन्हीं नई चीज़ों पर अगर आप पकड़ बना लोगे तभी आप उन सारे बच्चों से आगे हो सकते हो, क्योंकि मॉक हर कोई देता है, एनालिसिस हर कोई करता है, बट वो नोट आपने कैसे बनाया है, कितना स्मूथली बनाया है, कितना बारीकी से बनाया है, वही डिसाइड करता है कि आपका रैंक ऊपर होगा कि नीचे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। दोस्तों ये थी इंग्लिश और मैथ्स एसएससी सीजीएल टीयर 2 की डिटेल या ब्रीफ स्ट्रेटजी जो आपके हाथ में है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं ये सोच के बताई हैं कि आपने टीयर 1 क्लियर कर लिया है तो आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आपको पढ़ने की भी आदत है, इसलिए आप लोड सह सकते हो। आप पे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लोड दिया है इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, आपको लोड ले सकते हो इसलिए मैंने आपको लोड दिया है, और लोड आपको लेना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। दूसरी बात दोस्तों कि कभी भी आप टॉपर बनने की कोशिश मत करिएगा। कोई भी इंसान जो जिसने कभी भी टॉप किया है उससे आप जाके पूछो, उसने कभी भी ये प्लान नहीं किया था कि मैं टॉप लूँगा। हाँ, एक टारगेट था कि अच्छा रैंक मिल जाए ताकि अच्छी पोस्ट मिल जाए, पर टॉप करने का जो एक लत होता है, जो शुरू होता है, आप इंटरव्यूज देखते हो कि अरे यार मेरा भी मन, मुझे मैंने कि मैं भी इंटरव्यू दूंगा टॉपर का, ये वो, तो उस तरह का फितूर मन नहीं रखिएगा दिमाग में, क्योंकि वो आपको डैमेज कर सकता है आपकी पर्सनैलिटी को, शायद आप उसके वर्थ नहीं है। तो जो टॉप करता है बंदा वो अपने किस्मत से करता है, ऐसा नहीं कि जो रैंक 1 है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और रैंक 3 बिल्कुल बेवकूफ़ है, बहुत उसका कम है उसका, ऐसा नहीं है। शायद उस दिन उसका लक कुछ ज़्यादा चमक गया तो आगे आ गया, वो पीछे आ गया, ऐसा हो सकता है कि मौके समय ऊपर रहता होगा। तो कभी भी टॉपर बनने की कोशिश मत करिएगा। और एक चीज़ और कि टॉपर को कॉपी करने की भी कोशिश मत करिएगा। टॉपर टॉपर है, उसका माहौल अलग है, उसका दिमाग अलग है, उसकी एकेडमिक पढ़ाई अलग है, आप उससे कहीं भी कनेक्ट नहीं करते हो, तो उसकी सारी आदतें आप कैसे फॉलो करोगे। हाँ, जो भी स्टडी मटेरियल्स उसने फॉलो किया है वो मेक श्योर कीजिए कि आप वो फॉलो करें, क्योंकि वो सबसे छोटी चीज़ है जो वो मटेरियल जो उसने जो स्टडी मटेरियल फॉलो किया वो सबसे छोटा अमाउंट है, जितना अमाउंट चाहिए ही चाहिए होता है सिलेक्शन लेने के लिए। इससे कम पढ़ने में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसका माइंड इतना इंटेलिजेंट है कि कम से कम चीज़ें पढ़ के वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जनरलाइज करता है। फ़र्क यही होता है एक टॉपर और नॉन टॉपर में। और दोस्तों आखिर में यही कहूँगा कि अब जितना ही वक्त बचा है, 3 या 4 महीने आपके लिए जितना ही वक्त है, इस वक्त को फुल्ली डेडिकेट कर दो इस प्रिपरेशन में, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा। एक तो सीटी आएगा, ऊपर से आने वाले टाइम में किस हद तक कंपटीशन होगा। 19 वाले तो रिजर्व हो गए थे, फॉर्म पहले ही भरा गया था, इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंपटीशन ही होगा, क्योंकि आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। इसलिए जी जान से लग जाओ, ऐसा सोचो कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद आपको कोई मौका ही नहीं मिलने वाला है। अगर ये सोच के आप करोगे तो बहुत ही डेफिनेटली एक फिक्स रास्ते पर आप आगे बढ़ोगे और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है मान लीजिए कि आप अल्टीमेटली आप सेलेक्ट ना हो पाए, बहुत या फिर ड्रीम पोस्ट ना मिल पाए, लेकिन आपका बेस बन जाएगा, उसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो आगे। तो इसको अपना लास्ट अपॉर्चुनिटी समझ के ही पढ़ाई कीजिए, इतना ही मैं कहूँगा। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपको पता ही क्या करना है, आपका मैं आपको सपोर्ट करता रहूँ, आप मुझे सपोर्ट करते रहें, इतना ही तो है ख्वाब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।